तो गाइस स्प्लेंडर में इतने बड़े टाइटल वादी ना ये विल्ली मार पा रही है और शादी शादी का पिक भी बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है और इसलिए आज मैं लगवा रहा हूं अपने स्प्लेंडर में निकलस प्लेट साथ साथ इसकी टाइमिंग चेन में बहुत ही ज्यादा वाद आ रही है, इसलिए हम उसे भी ठीक कराएंगे। तो मैं मेरे दोस्त सिलू हम दोनों निकल जाते हैं, रास्ते में सोते हैं, कुछ देर का सफर तय करके हम इस दुकान पर पहुंच जाते हैं। छोपे आती मैं भाई को देता हूँ कि इसमें अपाचे आरटीआर की नई क्लच प्लेट डाल दे, साथ ही इसमें जो भी कमी है वो मेरे को बता दे। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इसमें तो कई सारी कमी है। सबसे पहली कमी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसकी टाइमिंग चेन में से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। दूसरा कि इसके साइलेंसर में से बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा है क्योंकि इसके रिंग पिस्टन खराब हो चुके हैं, इसलिए वो भी चेंज कराएंगे। इस तरह इसके सोकर लीक हो चुके हैं और क्लच प्लेट तो हमें इसकी बदलवानी है। अब यार इतना ज्यादा काम था कि भाई कह देता है कल मिलेगी कल शाम को। अब स्प्लेंडर तो कल मिलेगी, इसलिए थोड़ा बहुत काम कराने के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं और इस दुकान पर पहुंच जाते हैं। अब शॉप पर आते हैं भाई को देता हूँ जो रूट्स पर टेपिंग कर रखी है उसकी कटिंग कर देते हैं। और भाई इतने टेपिंग कर रहे, इतने अंदर जाकर आराम से बैठ जाता हूँ। कुछ देर में पता चलता है कि टेपिंग हो चुकी है, जो कि पास से कुछ ऐसे दिख रही है। तो सारे काम कराने के बाद भाई को बाय बाय करके हम यहाँ से निकल जाते हैं और इस शॉप पर पहुंच जाते हैं। शॉप पर आते ही हम स्प्लेंडर को अंदर कर देते हैं, आर एक्स इंजन उठा के एक्टिवा पर रख देते हैं और फिर स्प्लेंडर को बाय बाय करके हम यहाँ से निकल जाते हैं।